हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइटल इंडक्शन। ईसीजी फॉर बिगिनर सीरीज का ये 8वां एपिसोड है और इसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की वजह से आने वाले ईसीजी चेंजेस के बारे में। मेरे 17 साल के मेडिकल कैरियर में मुझे जितने भी ईसीजी मिले उसमें मुझे सिर्फ दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस ही दिखे। पहला जो कि पोटेशियम को लेके है और दूसरा कैल्शियम को लेके है। तो फ्रेंड्स, और इसी चीज को बेस बनाते हुए आज मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि कैसे ईसीजी देखते ही हम भी पता कर लेंगे कि पोटेशियम का डिस्टरबेंस है या कैल्शियम का, पोटेशियम कम है या ज्यादा, और उसी तरह कैल्शियम कम है या ज्यादा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हाइपरकैलेमिया। नॉर्मली पोटेशियम का जो रेंज होता है वो 3.5 टू 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर 3.5 टू 4.5 रेंज में अगर पोटेशियम है तो ईसीजी आपको नॉर्मली साइनस रिदम और विदाउट एनी चेंजेस मिल सकता है। अगर पोटेशियम 4.5 से ऊपर बढ़ जाता है, जैसे 4.5 से लेके 5.5 तक हो जाता है, तो इसको हम माइल्ड हाइपरकैलेमिया बोल सकते हैं। उसी तरह अगर 5.5 से लेकर 6 तक पहुंच जाता है तो इसको हम मॉडरेट हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। और फाइनली अगर ये 6 टू 7 हो जाता है तो इसको सीवियर हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। 7 के ऊपर अगर पोटेशियम आपको मिल रहा है लैब रिपोर्ट में तो ये समझ लीजिए कि मरीज का कंडीशन बहुत ही सीरियस है। माइल्ड हाइपरकैलेमिया में आपको ईसीजी में उतना कोई चेंज नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर पोटेशियम लेवल 5.5 से 6 की तरफ जा रहा है तो सबसे पहले जो ईसीजी चेंजेस आपको मिल सकता है वो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। जो सबसे पहले ईसीजी चेंजेस आता है अगर माइल्ड से मॉडरेट की तरफ पोटेशियम बढ़ता है, टी वेव का पीक होना। उसके बाद आता है पी वेव का वाइडन होना। पी वेव जो है जो नॉर्मली 2 स्मॉल स्क्वायर तक होता है वो ब्रॉड हो जाता है। पी आर का जो इम्पल्स ट्रेवल कर रहा है एट्रिया से लेके वेंट्रिकल तक वो स्लो हो जाता है। जैसे जैसे पोटेशियम का लेवल बढ़ता है ये पी इंटरवल जो पी वेव है वाइड होने के बाद फ्लैट हो जाता है और ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। जब पोटेशियम का लेवल 6 टू 7 या 7 से थोड़ा सा बढ़ने लगता है तो आप देखेंगे कि क्यू आर एस भी अब वाइडन होने लगता है। यहां भी ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेशन स्लो हो जाता है जिसकी वजह से सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया होने के बाद आपको साइन वेव पैटर्न मिल सकता है, हाई ग्रेड एवी ब्लॉक मिल सकता है, थर्ड डिग्री मतलब कि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक भी मिल सकता है। फ्रेंड्स, अब पोटेशियम का दूसरा प्रॉब्लम हाइपोकैलेमिया, इसको भी डिस्कस करते हैं क्योंकि हाइपोकैलेमिया से भी ईसीजी में काफी चेंजेस आते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि ईसीजी देख के आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो रहा है। माइल्ड हाइपोकैलेमिया होता है अगर किसी का पोटेशियम लेवल 3 टू 3.5 मिली इक्विवेलेंट है। मॉडरेट हाइपोकैलेमिया होता है अगर किसी का पोटेशियम लेवल 2.5 टू 3 मिली इक्विवेलेंट है। और सीवियर हाइपोकैलेमिया होता है अगर किसी का पोटेशियम लेवल लेस देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट हो गया है। इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए और इसके बारे में नीचे पॉइंटर्स मैंने लिख दिया है, आप पॉज करके भी देख सकते हैं। पहला जो चेंज आएगा वो होगा पीआर प्रोलॉन्ग होगा। आपको पीआर प्रोलॉन्ग इसमें भी मिलता है और आपको हाइपरकैलेमिया में भी पीआर प्रोलॉन्ग मिलता है। हाइपोकैलेमिया में आपको पी वे पीक मिलता है, अनलाइक हाइपरकैलेमिया में जितना आपको फ्लैट मिला था इसमें आपको पी वे पीक मिलता है। टी वे फ्लैट मिलता है, टी वेव फ्लैट मिलता है अनलाइक हाइपरकैलेमिया में जिसमें आपको टी वेव पीक मिला था। तो ये दोनों ही चीज हाइपरकैलेमिया के अपोजिट हैं। उसके अलावा इसमें आपको एसटी डिप्रेशन मिल सकता है और उसके बाद आपको यू वेव मिलेगा। तो इसमें आपको प्रोलॉन्ग क्यू यू इंटरवल मिलता है। फ्रेंड्स, हाइपरकैलेमिया की तरह ही हाइपरकैल्सीमिया को भी माइल्ड मॉडरेट सीवियर में डिवाइड किया गया। किसी का कैल्शियम लेवल 10.5 से 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। उसी तरह मॉडरेट हाइपरकैल्सीमिया होता है जब किसी का कैल्शियम लेवल 12 से लेकर 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। आपको पीआर इंटरवल इसमें भी प्रोलॉन्ग मिलता है। उसके अलावा
हाइपर कैल्शियमिया में क्यूटी इंटरवल शॉर्ट होती है, क्यूटी इंटरवल शॉर्ट होती है, इसमें भी क्यूआरएस इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है और टी वेव की फ्लैटनिंग हो जाती है। ओकेशनली क्यूआर इंटरवल में आपको जे वेव मिल सकता है। हाइपर कैल्सीमिया के बाद आ जाते हैं हाइपोकैल्सीमिया पर। हाइपोकैल्सीमिया में जो ईसीजी चेंजेस है वो हाइपर कैल्सीमिया के ऑपोजिट होते हैं। इसमें आपको क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग मिलेगा, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया में क्यूटी इंटरवल काफी प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर पेशेंट को हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा, आपके किसी काम आया, तो प्लीज लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ईसीजी देख के आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि पेशेंट को कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है। आप जब भी ईसीजी देखो तो आप पी वेव से शुरू करो और पी आर इंटरवल देखो। अगर पी वेव और पी आर इंटरवल में चेंजेस है, पी और उसके बाद आप देखो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अगर वाइट है और फिर क्यू टी इंटरवल देखो, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के बारे में आइडिया हो जाएगा। कैल्शियम में चेंजेस देखने के लिए आपको पी वेव में कोई ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे नहीं, आपको चेंजेस जो मिलेंगे वो क्यू टी इंटरवल में मिलेंगे या क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे। ईसीजी देख के आप ये पता कर सकते हो कि पेशेंट की कंडीशन अभी क्या है, पेशेंट को अभी अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है कि पेशेंट अभी वेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।